अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश खुशोकरम और आबाद रखे अपने घरों में। आज का ये व्लॉग जो है मैंने बनाया, ये दराज से ने एक लैंप मंगवाया था, ये आप देख सकते हैं लैंप और घड़ी, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। तो ये डिफेक्टिव निकल आया, ये दराज वालों की तरफ से एक था, कराची से ज़ाहिर इनका एक कोई शिपमेंट आई थी, कोई वहाँ मंगवाया था। तो ये आइटम जो है वो सारा टोटली ब्रोकन निकल आया, ये मार्बल। अच्छा जी, ये लैंप था, ये आप देख सकते हैं लैंप था, और इसके साथ जो है ना ये जो वॉच थी, बड़ी खूबसूरत वॉच थी, बज़ाहिर देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये ब्रोकन हालत में इसी तरह आया है ये हमारे पास। तो अभी मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो थोड़ी सी आसानी तो हो जाती है घर में, आप ज़ाहिर एक चीज़ आपको घर में बैठे टाइम मिल जाती है, शिपमेंट के थ्रू आती है और कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, लेकिन आपको ये भी है कि वो आपको खोलने नहीं देते, कहते हैं कि बिफोर जो है ना डिलीवरी आपको इसके चार्जेस अदा करने होंगे, खोलना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि वो उनके एंड पे तो होता नहीं, वो कहते हैं हम सिर्फ डिलीवरी बॉय हैं, हमने तो सिर्फ चीज़ डिलीवर करनी है। और इसके अच्छा ये मैं बता रहा था आपको कि बाज़ार हमने चीज़ देखी थी, वो बहुत ही आला और शानदार थी, लेकिन जब निकली तो फिर ये बीच में से ये निकला था। तो उनसे फिर हमने कंप्लेन भी की, आल दो दराज, क्योंकि हमने दराज से मंगवाया था, दराज में ये है कि थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी एक ऐप है जिसके थ्रू जो है आप शिपमेंट्स मंगवा सकते हैं, और इनकी रिटर्न की पॉलिसी भी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपने कोई भी चीज़ हो तो खुद जाएँ बाज़ार में जाएँ, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग जाएँ और वहाँ जा कर अपनी पसंद की चीज़ लें। इसमें ऑनलाइन में नुकसान क्या है, एक तो आपकी चीज़ आपको काफ़ी दिनों बाद आप इंतज़ार करते हैं फिर आपको चीज़ मिलती है, और उसके बाद जब वो डिफेक्टिव निकल आती है तो फिर अभी जिस तरह देखें दो चीज़ें, इससे पहले मैंने गिम्बल मंगवाया था, वो बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर था, और इन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दी उसके बिल्कुल उसके अगेंस्ट था, वो टोटली फ्रॉड था, वो मैं एक अनट्रस्टवर्दी एक नॉन ऐप से मंगवाया था, मुझे याद भी नहीं, ऐसे ही मैं रैंडम ने देख रहा था फेसबुक पर कोई आया, उसका ऐड आया, मैंने क्लिक कर दिया और मैंने मंगवा लिया। मुझे वो आल तो थोड़ा चीपस्ट पड़ा था, लेकिन वो टोटली आउट ऑफ ऑर्डर था और बेकार था, मतलब चीपस्ट क्या पड़ा था, मुझे तो बेकार ही पड़ा, वो फजूल में मेरे पैसे गए। अच्छा, दराज में ये है कि दराज की एप्लीकेशन चूँकि ट्रस्टवर्दी है, ये रिटर्न एटलीस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऑनलाइन मंगवाने में आपको नुकसान ये है कि आपको बाकायदा तौर पर वापस जाना पड़ता है वापस करवाने के लिए। तो अभी मैं वापस चे नाज़रीन ये देख सकते हैं जो लैंप टूटने के बाद जो है ना, ये जैसे वो चंगेज़ खान की वो जंग वाली टोपी थी ना, ये उसकी तरह हो गया। अभी ये चंगेज़ खान की टोपी जो है ना, हम इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख के ना, ये इसके साथ ये जो है ना दूसरा ये घड़ी आप देख सकते हैं, ये होनी तो ऐसी चाहिए थी, जो अपनी उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी वो ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो है ना हमें जो मिला है वो ऐसे फॉर्म में मिला है। और नाज़रीन ये भी आप देख सकते हैं, चंगेज़ खान की टोपी के साथ साथ ये एक जो है ना घड़ी भी थी, चंगेज़ खान ने टाइम जिसमें देखता था अपना, ये वो वाली घड़ी है जो कि आप देख सकते हैं कि किस हालत में हमें मिली है। और ये चलते हैं, बाद में जी 11 मरकज में, यहाँ दराज वालों की शॉप है, हम इसको वापस करवाएंगे, क्योंकि इनका प्रोसीजर ये होता है कि आप पहले इसको जो है ना रिटर्न करवाते हैं थ्रू जो है ना सिस्टम आप करते हैं, वहाँ से आप एंट्री करते हैं, इसके बाद ये जनाब हम आ गए हैं जी 11 मरकज में दराज की शॉप पे, ये दराज की शॉप है, ये यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं दराज वालों की साइड से इसका रास्ता बना हुआ जाने का, ये जाके उनको वापस करवाते हैं आइटम। ये दराज की शॉप है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तलत भाई यहाँ पे मौजूद हैं दराज वालों के, ये यहाँ पे इंचार्ज हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड भी किया, और अभी जो है ना ये इनिशिएट तो मैंने कर दिया था उधर से, ऑनलाइन कर दिया था, अभी ये बता रहे हैं कोई इनका आईडी भी होता है, वो यहाँ से जो है सिस्टम से करके इसको फिर रिटर्न कर देंगे। तो तलत भाई आप क्या कहना चाहेंगे, अभी तो इनकी तो ये दराज की एटलीस्ट ऑनलाइन सर्विस में सबसे अच्छा काबिल एतमाद इनकी एक ये इदारा है,
जो एटलीस्ट ये है कि आपकी जो भी चीज़ हो, अगर कोई आउट ऑफ मतलब ऑर्डर है या ब्रोकन है या कोई भी चीज़ है, उसको रिटर्न कर देते हैं ये, और वो भी जिम्मेदार होता है इस चीज़ का कि वो वापस लेगा। ये मोहम्मद अमीन साहब हैं और ये जी जी सर। चलो जी, प्रोसेस हमारा जारी है। ये बिल निकाल दो, अभी मोहम्मद अमीन भाई हमें जो है रिटर्न देंगे, रिसीविंग देंगे कि जो आपके पैसे हैं, क्योंकि हमने थ्रू वॉलेट हमने कहा था कि हमें जो है ना रिटर्न होंगे, इनकी पॉलिसी भी ऐसे ही है कि वॉलेट में आ जाते हैं उसकी रिसीविंग देंगे विद इन 7 working days होता है, कितने दिन में होता है। चलो जी, हम तरत भाई का शुक्रिया भी अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी अमीन भाई, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ये तो जी हमें मिल गई है इसकी रिसीविंग, ये भी आप देख सकते हैं 12/8/2022 की इन्होंने रिसीविंग दे दी है, और इसका बस अभी हम मैं जाता हूँ दूसरी जगहों पर भी, आज काफ़ी मरकजों में मैंने फिरना है, काफ़ी जगहों पर जाना है, हाँ बाद में चलें, इधर से निकलते हैं इस साइड से, या आपको यहाँ की वीडियोस भी दिखाते हैं, ये सन सेट का बड़ा अच्छा मंजर भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत मंजर है।